नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है पूनम डांस स्टूडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉन डांसर हैं या आप डांसर हैं, आपको डांस बिल्कुल नहीं आता है, आपको डांस आता है, तो आज का जो मेरा वीडियो है दोनों के लिए ही अच्छा होने वाला है। अगर आपको नहीं आता है तो आप डांस डेफिनेटली सीख जाएंगे, और अगर आपको आता है तो आप और भी नए स्टेप सीख जाएंगे डांस के। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा स्टेप है डांस का, वो है टिपिंग के साथ, यानी पैरों की टिपिंग का। एक ऐसा स्टेप होता है पैरों का डांस का, जिसको हम एक ही जगह पे करते हैं, खड़े खड़े जहां होते हैं वहां वो पैरों का मूवमेंट इस तरह से चलता है, और हम पूरा गाना भी टिपिंग के साथ कर सकते हैं। पैरों को ज्यादा चेंजेस ना करते हुए भी टिपिंग के मूवमेंट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, टिपिंग कैसे करते हैं, कैसे की जाती है, टिपिंग में किस तरह पैर चलते हैं, कमर कैसे चलती है, वो मैं अपने पुराने वीडियो से बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज आप वहां जाकर देख लेना कि डिपिंग किस तरह की जाती है। तो फ्रेंड्स, डिपिंग के साथ मैं आपको सिखाऊं, एक बार मैं आपको फिर भी जल्दी से बता देती हूँ डिपिंग कैसे करते हैं। देखिएगा ध्यान से, राइट लेग को हल्का सा उठाना है, रखते ही लेफ्ट पे अगेन राइट को, ये देखिए अब जमीन पर एक ही बैन है, ये देखिएगा, नोटिस कीजिए जमीन पे एक ही फुट चलता है, ये देखिए। ऐसे टिपिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये टिपिंग नहीं है एक पैर एक पैर एक पैर, लेफ्ट राइट, ये टिपिंग नहीं होती है। टिपिंग में इस तरह ठुमका, वापस अभी जगह ठुमका, पैर ठुमका, वापस ठुमका, वापस, देखिएगा इसमें डिपिंग में अपने आप कमर निकलती है। तो फ्रेंड्स, और डिपिंग को कितने अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सिखाया है, तो प्लीज आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके जरूर देखिएगा कि किस तरह डिपिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाती हूँ डिपिंग के साथ किए जाने वाले हाथों के मूवमेंट्स, यानी किस तरह से हमारे स्टेप्स होंगे। तो हमारा आज का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, हमारे हाथ को इधर देना है दो बार, एक दो, इस तरह। फिर देखिएगा, हाथ है राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट नीचे है, दो बार करना है, जाओ जाओ भेज रहा है, सेम चीज फिर लेफ्ट में करना है, जाओ जाओ इस तरह, एक दो घुमाया नीचे से ले गए, तीन चार वापस लाए, पांच छह अगेन फिर ले गए, सात आठ। तो फिर इस तरह ये स्टेप होता है पैरों के साथ, देखते हैं, ठुमका लगा करके चार पे स्माइल, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां आपका हाथ मूवमेंट कर रहा है राइट तो फेस राइट साइड, लेफ्ट तो फेस लेफ्ट साइड, ठीक है, फ्रंट तो फेस आगे, बैक तो फेस पीछे, इधर देखिएगा, ओके। और अगर दोनों हाथ मूवमेंट कर रहे हैं तो फेस सिर्फ सामने देखिएगा, देखिएगा डिपिंग के साथ, ये डिपिंग है, ओके। अब हाथों के मूवमेंट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये देखिए, यानी मैंने दो बार इधर किया है, और हाथ को नीचे से ऊपर ले जाके, वन टू तुरंत हाथ इधर गया, थ्री फोर तुरंत हाथ इधर गया, देखिएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। अगर अब आपका म्यूजिक स्लो है तो आप ऐसे ही करेंगे स्लो में, और आपका म्यूजिक की बीट तेज है थोड़ा फास्ट है तो आप करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, स्लो है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, समझ में आया फ्रेंड्स आपको? स्लो म्यूजिक है तो आराम से हाथ चल रहे हैं, बहुत आराम से, और अगर फास्ट है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, हम बाहर की तरफ हाथों को दे रहे हैं, जाओ जाओ इस तरह, बाहर बाहर इस तरह। अब फ्रेंड्स, इसी में हमारा आज का दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमें करना है सेम टिपिंग पैर में, ये अब हमें हाथों को करना है आगे की तरफ, कैसे, इस तरह लेना है, जिससे कोई मेहंदी रची मेरा हाथों में, मेहंदी वाड़े या हाथों में, इन हाथों में, इसलिए कोई भी शब्द हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हाथ इस तरह ऐसे, इधर साइड 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 साइड, तो इसको हम नीचे भी चार बार कर सकते हैं और डाउन टू अप भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं, एक दो
ओपन करना हो तो एक दो तीन चार इस तरह। अब देखिए फ्रेंड हाथ कैसे किए, सिंपल सा एक एक होता ना एक, ऐसे नहीं किया मैंने, ये अगर मेहंदी वाड़े तो हम करेंगे ऐसे मेहंदी हाथ के ऊपर से, ये देखिएगा। और अगर मेहंदी वाड़ नहीं है और नॉर्मल किसी म्यूजिक के साथ या किसी भी म्यूजिक पे या किसी भी एनी शब्द पे आप कर रहे हैं है ना, तो आपको करना है इस तरह से बस ऐसे ऐसे, ठीक है। हाथ यहां से नहीं आया, साइड देखिए साइड 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 साइड, यानी हाथ को उल्टे से इधर 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 इधर, देखिए मैंने अपने हाथ को इधर लगाया ओके, देखिएगा इधर इधर, तो यानी एक दो इस तरह। अब इसको देखते हैं पैरों के साथ, एक दो तीन चार, फिर देखिएगा एक दो तीन चार। और इसी को अगर हम डाउन टू अप करते हैं, दूसरे लेवल पे करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, तो हम करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, डाउन टू अप अप टू डाउन, फिर देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, अपनी जगह पैर है ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जब स्टेप कर रहे हैं तो आप देखिएगा मेरा फेस राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक, अगर मैं अपनी जगह पे करती हूँ थोड़ा चुक जाऊंगी, एक दो तीन चार इस तरह। अच्छा फ्रेंड इसी स्टेप को मैं सर्कल में भी कर सकती हूँ, देखिएगा एक स्टेप मैं आपको तीन तरह से कर रही हूँ, अपनी जगह भी कर रही हूँ नीचे से ऊपर भी कर रही हूँ, ऊपर से नीचे भी कर रही हूँ, और सर्कल में भी करूंगी, देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, मैं सर्कल में भी घूम के से कर सकती हूँ आराम से, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। आज का जो मेरा टिप अगर मैं आपको दूंगी तो यही बोलूंगी कि आप एक स्टेप्स को एक तरीके से नहीं बहुत तरीके से कर सकती है, आप अपनी जगह पे कर सकती है, आप आगे चलने में पीछे चलने में कर सकती है, साइड टू साइड कर सकती है, और इन द सेंस सर्कल में सर्कल में कर सकती है। तो एक स्टेप को बहुत तरह से कर सकती है, हर सॉन्ग पे अलग अलग तरह से यूज कर सकती है या एक ही सॉन्ग पे अलग अलग तरीके से कर सकती है। अब फ्रेंड्स इसी मेरा तीसरा स्टेप है आज का, अब मेरे तीसरे स्टेप में हमें सिंपल यहां से ऐड करना है और यहां से नीचे ले जाके यहां लगाना है, फिर नीचे से वापस यहां लगाना है, देखिए ये इस तरीके से, ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, यानी मैंने किया है एक दो, मेरा ले जाना तो है एक, मेरा अपने हाथों को नीचे से लेके जाना है एक, लगाना है दो, फिर लेके जाना है लगाना है चार, फिर लेके जाना है लगाना है छ, फिर लेके जाना है लगाना है आठ, यानी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ करके देखिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसी को बस चलने में करूं तो फिर देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, इसी को मैं सर्कल में करूं तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। तो देखो फ्रेंड आपको समझ में आया आज के मैंने सिंपल एक तीन स्टेप आपको करके दिखाए, लेकिन ये तीनों स्टेप्स मैंने अपनी जगह पर भी किए हैं, चलने में आगे भी किए हैं, पीछे भी किए हैं, साइड भी कर सकते हैं, और इन द सेंस सर्कल में, इन द मीन सर्कल में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं जल्दी से आपको सारे स्टेप्स म्यूजिक पे करके दिखा देती हूँ कि किस तरह मैंने आज के स्टेप्स किए हैं। Thank you.
आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया हो। मैंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से कोशिश की है कि मैं डिपिंग के साथ पैर को के स्टेप के साथ आपको करके दिखाऊं कि किस तरह हाथों की मूवमेंट हम कर सकते हैं अपनी जगह पे सर्कल में या चलने में किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज अपना कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज बिना सब्सक्राइब करे मेरा चैनल मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लाती रहूंगी, बताती रहूंगी और मैं आपको डांस सिखाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप dancing।